शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। डूंगरपुर से खबर है, आसपुर थाना पुलिस ने सोम नदी में मिलने वाले विस्फोटक मामले में दो और गिरफ्तारियां की हैं। आपको बता दें, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनका ये कहना है कि मैगजीन संचालक के कहने पर वो विस्फोटक को पिकअप में डालकर वहां पर देने गए थे। आपको बता दें कि दो और इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो लोग हैं जो जिनकी गिरफ्तारियां हुई, तस्वीरें हम आपको दिखा दें। दरअसल आपको बता दें कि मैगजीन संचालक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। पूछताछ में दो आरोपियों के नाम सामने आने के बाद पुलिस ने शंकर और प्रेमचंद की भी तलाश शुरू की है। कई ठिकानों पर दबिश के बाद आसपुर थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों की ओर से गहनता से जांच लगातार चल रही थी। इससे बचने के लिए एक्सपायर हुए विस्फोटक को पुल के नीचे यहां पर फेंका गया था, जिसमें यह एक्शन हुआ है। गणनाथ जी में विस्फोटक मिलने का पूरा मामला है। दो अन्य आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि मैगजीन संचालक, जो कि पहले ही अरेस्ट हो चुका है, उसके कहने पर ही ये लोग उस विस्फोटक को लेकर सोम नदी में गए। वहां पर इस विस्फोटक को यहां पर जो है, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। डाला गया, डर था कि कहीं पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि मामला जो है उच्च स्तरीय जांच तक पहुंच चुका था। आसपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, डूंगरपुर के आसपुर थाना पुलिस से पुल के नीचे सोम नदी में विस्फोटक मिलने के मामले में इसमें आरोपी को गिरफ्तार किया है। अखिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। अखिलेश, कैसे ये गिरफ्तारी हुई जरा बताएं, क्योंकि बड़े पैमाने पर विस्फोटक जो डंप किया गया था यहाँ पर। देखिए, आज बताना चाहूंगा कि 15 और 16 नवंबर को भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो आसपुर थाना पुलिस द्वारा जब्त किया गया था, और इस पूरे प्रकरण को पहले जो उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले से जोड़कर देखा जा रहा था। पुलिस ने जब जब्त विस्फोटक के बैच नंबर से जांच की तो ये जो विस्फोटक था वो आसपुर गोल के अंदर जो मैगजीन संचालक है राजेंद्र प्रसाद, उसका पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की, और पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वो विस्फोटक उसका है, तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। वही राजेंद्र प्रसाद ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया कि उसके जो दो सहयोगी थे उनके माध्यम से उन विस्फोटक को पिकअप में भरकर और पुल के नीचे फेंक दिया था, और ये पूरा विस्फोटक एक्सपायरी था। लेकिन जो उदयपुर वाला जो मामला था, उसके बाद जो एजेंसी से अपने जांच शुरू की थी तो वो जांच में फंस नहीं जाए, जिसके चलते इन्होंने डर के मारे जो विस्फोटक एक्सपायर हो गया था उसको ये पुल के नीचे उन्होंने फेंक दिया था। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी दो दिन पहले हो चुकी थी। वहीं आज आसपुर थाना पुलिस ने दो अन्य जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारियों के लिए। तो अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी डूंगरपुर से जो बता रहे थे किस तरीके से आखिर इनकी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। मैगजीन संचालक जो था, जिसके कहने पर ये लोग गए थे पिकअप गाड़ी को लेकर वहाँ पर विस्फोटक को डालने के लिए, वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। इनकी तलाश चल रही थी, ये भी फाइनली गिरफ्तार हो गए हैं। पुल के नीचे ये विस्फोटक मिला था, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस पुल की जहाँ पर ये विस्फोटक मिला था, और साथ ही साथ में वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिकअप भी जब्त किया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।